हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस मिठाई। हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आटे से मिठाई किस तरह और कैसे बनाई जाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होती है। और कमाल की बात तो यह है कि ये हमारे बजट में होती है, इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। बस इसमें आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर और फ्रेंड्स 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी चीनी। सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही आप इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी कि अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाकर इसे खाओगे। तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई अपनी गैस पर रख दी है, आप देख सकते हो यह थोड़ी सी गीली है, तो मैं इसे थोड़ा चारों तरफ से पूछ देती हूँ। और अब इसमें डालती हूँ मैं 2 बड़े चम्मच घी के। तो देखिए, ये मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप 250 ग्राम मीठा लोगे तो आपको कम से कम 200 ग्राम घी की ज़रूरत होगी, तो आप इसमें 200 ग्राम घी ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, हमारा घी मेल्ट होने लगा है, उससे पहले ही मैं इसमें डाल देती हूँ 1 बड़ा मग, आप देख सकते हो। इसमें 2 कटोरी का मेजरमेंट है, तो ये 2 कटोरी मैंने आटा लिया है, वो हमने अपनी कढ़ाई में डाल दिया है। और अब मैं इसे हिला लूँगी। आपको अपनी आटे को पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी हमारा ये आटे ने घी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। और अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है, कि जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा कि हमारे आटे में घी कम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारा आटा पकेगा तो धीरे धीरे घी भी यह छोड़ देता है, तो इसलिए आपको इसमें घी की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। जितना आपने डाला था आप उतना ही घी रखिएगा और धीरे धीरे इसे पकाते रहिएगा और इसे हिलाते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी जब तक हमारा आटा भूनकर तैयार नहीं हो जाता। जैसे जैसे इस पर आँच लग रही है, वैसे वैसे आप देख सकते हो हमारा आटा भी घी छोड़ने लगा है, यह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। तो अभी मैं ये छोटा चमचा ले लेती हूँ ताकि इसे हिलाने में मुझे दिक्कत ना हो। आटे से हमारी बर्फी कई तरह से बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूंगी। धीरे धीरे हमारे आटे का कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। तो आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, यह अच्छे से भून चुका है। इसी कंडीशन में हम इसमें डालेंगे अपना 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो देखिए, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इस कंडीशन में एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। मैंने अपनी गैस को बंद कर दिया है, इसलिए मैं रुक चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूँगी 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। तो देखिए, ये मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट और अच्छी बनती हैं कि आप इसे एक बार बनाने के बाद इसे बार बार बनाओगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये आपको इतनी स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी, आपके घर के हर मेंबर इस मिठाई को बड़े मज़े से और बड़े चाव से खाएंगे। मैंने अपनी गैस पर अपना पैन रख लिया है, अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी और इसे ऑन कर देंगे। तो देखिए, हमारा पानी बॉईल होने से पहले ही मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ 1 कटोरी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी मिठाई अगर मीठी नहीं होगी तो इसमें स्वाद कैसा रहेगा। तो अब हम इसमें चाशनी डालकर इसे काफ़ी अच्छी मिठास देंगे। मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है।
जो बची हुई चीनी है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको चाशनी एक तार की बनानी है। तो ऐसे ही बॉयल्ड चाशनी में से मैं थोड़ी सी चम्मच में ले लेती हूँ और अपना तार बनाकर देखती हूँ। तो देखिए इसमें एक तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए मैं इसे अपनी गैस से उतार लेती हूँ और अपने उस पर फिर से आटा रख देती हूँ और अब इसमें मैं धीरे धीरे अपनी चाशनी डालूँगी। हिलाते आपको इसी तरह रहना है इसे। फ्रेंड्स ये आटा हमारा थोड़ा ज़्यादा भून चुका है शायद, तो आप इसे थोड़ा सा कम भून लें। तो देखिए मैं इसे तब तक खिलाऊंगी जब तक यह हमारा मिठाई की जैसा नहीं बन जाता। फ्रेंड्स मिल्क पाउडर डालने से हमारे मिठाई में काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं घी भी हमारी मिठाइयों ने छोड़ दिया अच्छे से। तो ये काफ़ी अच्छा टाइट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा घी नीचे डाल लूँगी और चारों तरफ से इसे चिकना कर लूँगी और अब इसमें डालूँगी अपनी आटे की मिठाई बनाने के लिए डो जो कि अभी मैंने तैयार किया था। तो देखिए अब मैं इसे अच्छे से फैला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे चारों तरफ से मिठाई की कंडीशन में प्लान कर दिया है। अब मैं इसी तरह 10 से 15 मिनट के लिए इसे इस तरह रख दूंगी ताकि हमारी मिठाई ठंडी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। हमारी आटे की मिठाई अब अच्छे से जम चुकी है और यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे इस शेप में काट लिया है और एक एक करके मैं सभी मिठाइयों को निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने इन्हें एक एक करके इस प्रकार निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ज़्यादा मोटी या ज़्यादा वैसी लगे तो आप नीचे की तरफ से इसे थोड़ा कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी, आप देख सकते हो। तो एक एक करके मैं सभी मिठाइयों को इसी प्रकार निकाल लूंगी। तो देखिए आप देख सकते हो ये काफ़ी मोटी बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका एक एक दाना कितना परफेक्ट और कितना अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स एक एक करके मैं सभी मिठाइयों को एक प्लेट के अंदर सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स ये जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, तो आप इसे एक बार ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। हमारे आटे की बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो अगली ऐसी ही नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।